हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ब्रॉक लेसनर क्या हमें जल्द ही रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे? क्या इस बार ड्राफ्ट में ब्रॉक लेसनर भी अनाउंस होंगे? ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जुड़ी एक बड़ी अपडेट्स है। और इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे आखिरकार मुस्तफ़ा अली को WWE ने रेट्रीब्यूशन का लीडर क्यों बनाया, मुस्तफ़ा अली की डायरेक्शन अब किस तरह से आगे जाने वाली है, इन्हीं अपडेट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखना। चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं लाइक बटन से, और गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जल्द से जल्द WWE में रिटर्न करें। और पहले बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा अली और रेट्रीब्यूशन फैक्शन के बारे में। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, जब से रेट्रीब्यूशन ने डेब्यूट किया था वो किसी न किसी सुपरस्टार पर अटैक किए जा रहे थे। पर जब से रेट्रीब्यूशन की फ्यूड स्टार्ट हुई है हार्ट बिजनेस से, और लगभग दो हफ्ते पहले जब रेट्रीब्यूशन के नेम रिवील हुए थे, WWE ने रेट्रीब्यूशन के बारे में कुछ सोचा था, तभी WWE क्रिएटिव थिंग ने प्लान बनाया था कि मुस्तफ़ा अली को रेट्रीब्यूशन का लीडर बनाया जा सकता है, क्योंकि मुस्तफ़ा अली में वो काबिलियत है। WWE के मालिक विंस मैकमहन मुस्तफ़ा अली को एक बड़ा सुपरस्टार मानते हैं और उनको लगता है कि मुस्तफ़ा अली रेट्रीब्यूशन की बड़ी स्टोरी लाइन को अच्छे से लीड करेंगे। यही बड़ा रीज़न था कि मुस्तफ़ा अली को लीडर बनाया गया। और गाइज ये मुस्तफ़ा अली के फ्यूचर में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर रेट्रीब्यूशन एक सक्सेसफुल फैक्शन होती है तो मुस्तफ़ा अली को काफ़ी फ़ायदा होगा। और वैसे भी रेट्रीब्यूशन का एक बड़ा मैच रूमर्स हो रहा है सर्वाइवर सीरीज़ के लिए, जो कि मुस्तफ़ा अली लीड करेंगे। तो मुस्तफ़ा अली काफ़ी आगे अच्छे फ्यूचर में जाने वाले हैं WWE में। तो गाइस जब रेट्रीब्यूशन फैक्शन को देखना और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। WWE के मुस्तफ़ा अली अभी इसे आगे कैसे लीड करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है। तो गाइस जिसका आपको पता WrestleMania 36 से ही हमें ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जब से वो ड्रू मैकइंटायर से हारे, और उन्हें अभी तक रीमैच भी नहीं मिला है उनकी WWE चैंपियनशिप के लिए, जो कि लगभग हर सुपरस्टार को हारने के बाद मिलता है। और कई बार हमें ऐसे रूमर्स सुनने को मिले कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें इस पेपर में देखने को मिल सकता है, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो गाइज ब्रॉक लेसनर रहते हैं कनाडा में और WWE के सोच होते हैं USA में, और कनाडा से USA का ट्रेवल बैन था कोविड पैंडमिक की वजह से, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न नहीं आ पा रहे। पर गाइज हमने रिसेंटली में देखा, दो हफ्ते पहले रॉबर्ट रूट ने रिटर्न किया और वो भी कनाडा में रहते हैं, और उन्होंने भी रीज़न बताया कि वो अब तक रिटर्न इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका ट्रैवल बैन था। और फाइनली वो दिक्कत ख़त्म हो चुकी है और इस वजह से रॉबर्ट रूट ने भी रिटर्न किया। और गाइज रॉबर्ट रूट के रिटर्न के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन ये बढ़ गई है कि हम ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न कर सकते हैं, हमें ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न करते दिखाई देंगे। और जैसे ही रोमन रेंस ने रिटर्न किया था WWE में, किसी को भी पता चला नहीं था कि रोमन रेंस इस पेपर में समर स्लैम में रिटर्न करेंगे। ऐसे ही WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कराएगी, किसी भी सुपरस्टार को पता नहीं होगा, और WWE क्रिएटिव टीम किसी मैच में अटैक करवा सकते किसी बड़े सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर से। पर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ब्रॉक लेसनर WWE के बीच में नेगोशिएशन चल रही थी, ब्रॉक लेसनर काफ़ी हाई डिमांड मांग रहे हैं WWE से, और ऐसी कोई दिक्कत रॉबर्ट रूट के साथ नहीं थी, रॉबर्ट रूट पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में थे WWE से। तो गाइस यहाँ पर WWE को पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा ब्रॉक लेसनर से, तभी ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं WWE में। पर दोस्तों अगर WWE चाहती है कि ब्रॉक लेसनर कुछ अपीयरेंस के लिए आए, तो यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का कहना है कि ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है, और WWE चाहती है तो उनको ब्रॉक लेसनर को एक अपीयरेंस के पैसे देने होंगे और ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं WWE में। और गाइज बात करें क्या इस बार ड्राफ्ट में अनाउंस हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर, तो गाइज बहुत कम चांसेस हैं कि ड्राफ्ट में ब्रॉक लेसनर को WWE अनाउंस करें, क्योंकि अभी WWE के पास कोई प्लान्स नहीं है ब्रॉक लेसनर के लिए कि उन्हें रॉ पर रखना है या फिर स्मैकडाउन पर। जब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न चांस बनेंगे तभी ब्रॉक लेसनर की क्रिएटिव टीम ब्रॉक लेसनर के लिए कोई प्लान्स बनाएगी। पर दोस्तों बात करें कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें कब देखने को मिल सकता है, तो वो गाइस बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि WWE की रेटिंग्स काफ़ी डाउन जा रही हैं। रॉ की रेटिंग्स तो हर बार हमें डाउन ही देखने को मिलती है, जो कि WWE के मालिक विंस मैकमहन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करना जरूरी है, और WWE ब्रॉक लेसनर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ब्रॉक लेसनर को जल्दी से जल्द रिटर्न करवाएगी। और WWE फैंस काफ़ी बेताब हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न किस तरह का होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास अब पॉल हेमन आएंगे या नहीं, पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ रहेंगे या फिर ब्रॉक लेसनर के साथ, और ब्रॉक लेसनर आके किसके साथ फ्यूड में होंगे, रोमन रेंस के साथ या फिर किसी चैंपियन के साथ जो कि होगा रॉ ब्रांड पर। तो दोस्तों ये तो थी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स, पर आप जरूर कमेंट करके बताना कि ब्रॉक लेसनर जब रिटर्न करे तो आप उन्हें रॉ पर देखना चाहेंगे या फिर स्मैकडाउन पर, और किस सुपरस्टार के साथ फ्यूड में आए ब्रॉक लेसनर अपने रिटर्न के बाद। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।